Hello friends, today on the eve of World Environment Day, while I am delivering this message, I am sure that most of the safety, environment and HR professionals might be preparing hard for observation of the day. And as usual, most of others either just to witness it or to attend it as a guest. Whether you are attending the function as a guest or contributing to it as an organizer, it hardly matters. But what matters in our real life is the contribution to the environment. The whole world is observing the World Environment Day since 1974. But this time it is very, very crucial and special because of two things. And surprisingly, both are collateral. The first one is the recent changes in mental and physical world due to COVID-19 pandemic. And the second one is the relevancy, appropriate relevancy of the theme which has been decided by UNO for World Environment Day. The theme which has been announced by UNO for World Environment Day is biodiversity, a concern that is both urgent and existential. Jai vividhata, jo ek chinta, jo na keval jaruri hai, balki astitvagat bhi hai. Biodiversity ya jai vividhata ke bare mein aap log bahut kuch jante bhi honge aur internet par search bhi karte honge. But aaj main jo vishay rakhne wala hu wo hai इंडियन प्रस्पेक्टिव ऑफ प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता संरक्षण के विषय में भारतीय दृष्टिकोण. और मैं यकीन के साथ आप लोगों को कह सकता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए जो 10 मिनट समय लगाएंगे, ये बिल्कुल भी जाया नहीं होने वाला है और आपके जीवन में डेफिनेटली कभी ना कभी काम आने वाला है. तो इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले और इसके गहराई में जाने से पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं. Biodiversity is the contraction of biological diversity, means variety in living organism. जमीन से लेकर पानी तक 8 million plants और animal species के साथ पृथ्वी पर जितने भी living organism रहते हैं, biodiversity उन सभी का समर्थन करता है, चाहे वो producers, scavengers, parasites, consumers, predators, carnivorous, omnivorous, herbivorous या फिर decomposers, इसमें से कोई भी हो. और बायोडायवर्सिटी एक नेचुरल इकोसिस्टम से परिचालित होता है और अगर इस इकोसिस्टम में हम लोग कोई भी तरीके के छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, इसमें जो सभी प्राणियों में एक जुड़ाव होता है, नेचुरल अलायंस होता है, उसमें अगर हम कुछ भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो फिर पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है. स्पेशली अगर फूड चेन की बात करें तो बाघ का भोजन हिरन है और हिरन का भोजन पेड़ पौधे हैं और वो लोग वही खाते हैं. अगर बाघ घास खाने लगे तो फिर पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर अभी के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो कोरोना वायरस या कोविड-19, चाहे चाइना ने इसे चमगादड़ से इंटेंशनली ड्रॉ करके फैलाया हो या फिर खान पान की वजह से किसी तरीके से ये फैला हो, इतना तो तय है कि इस अननेचुरल अलायंस को, चमगादड़ और मनुष्य के बीच में जो अननेचुरल अलायंस इन्होंने बनाया, इसको अगर अवॉइड करते तो डेफिनेटली ये वायरस कभी नहीं फैलता. बात अगर केवल एक बीमारी की होती तो इसे कोइंसिडेंट समझ के इग्नोर भी किया जा सकता था, पर ऐसे कई बीमारियां हैं जो प्रकृति के नियमों की अनदेखी करने की वजह से ही फैला है. एग्जाम्पल के लिए इबोला जो फ्रूट बैट से फैला है, HIV-1 चिंपांजी एंड गोरिला से, HIV-2 मंगवे से, स्वाइन फ्लू पिग से, बर्ड फ्लू पोल्ट्री एंड वाइल्ड बर्ड से, एंड रिसेंटली कोविड-19 यह भी बैट से फैला है. अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हम देखने की कोशिश करें तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हम जब भी प्रकृति के नियमों की अनदेखी करते हैं या फिर उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है. और इसी थॉट को भारतीय ना जाने कितने हजार सालों से फॉलो करते आ रहे हैं. वेदों में लिखी क्रियमाण संचित और प्रारब्ध कर्मों की परिभाषा इसका ज्वलंत प्रमाण है. हमारे घरों में या आंगन में जो तुलसी का पौधा, बेल, नीम आदि पेड़ों को लगाने का रिवाज है और पीपल का पेड़, नदियाँ, गाय, सांप, हाथी आदि को अलग अलग त्योहारों में पूजने का रिवाज है, ये बेसिकली क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो पहला प्रिंसिपल है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज. और अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, यह पंच महाभूत को पूजने का और संरक्षण करने का जो रिवाज है वो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का सेकेंड प्रिंसिपल है, दैट इज मेंटेनिंग हैबिटेट्स. यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता का तीसरे अध्याय से एक श्लोक मुझे याद आ रहा है. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते.
संसार में जो भी कुछ होता है वो प्रकृति के अनुसार होता है। आप कुछ भी जो भी प्रकृति को देंगे वो आपको रिटर्न वैसे ही करेगा। आप अच्छा देंगे तो अच्छा रिटर्न पाएंगे, बुरा देंगे तो बुरा रिटर्न पाएंगे। और हम जो नेचर को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज का बार बार होना उसी का परिणाम स्वरूप मात्र है। हम नेचर के साथ जितने जुड़े रहेंगे, निरोग शरीर और शांति की प्राप्ति उतनी ज़्यादा होगी। अतः हम भारतीयों को अलग से कुछ भी इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एंशियंट कल्चर के अनुसार प्रकृति के संरक्षण का जो अभ्यास है उसको रिएक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और अभी समय की मांग भी है, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। तो नेचर का कहर से बचना है तो नेचर के साथ जुड़ना सीखना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। धन्यवाद।